हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैट्स फॉर लाइफ। आज मैं आप लोगों का सामने कैट का ईयर क्लीनिंग का ऊपर एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ। आप ये वीडियो को एंड तक देखिए और आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना क्योंकि आगे आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, ये किटन का कान का अंदर बहुत सारा डर्ट है, सो आप इसे वीकली एक बार तो भी क्लीन करना चाहिए क्योंकि क्लीन ना करने से आपका किटन का कान का अंदर इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। सो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्लीन करने के लिए क्या सब यूज़ करते हैं। सो मैं इस पर यूज़ कर रहा हूँ सेलिसिलिक एसिड ईयर क्लिनज़र। इसका प्राइस है 119 रुपया है। ये आपको नॉर्मल इक्विपेड चॉइस भी मिल सकता है। और ईयरबड्स भी यूज़ कर रहा हूँ और कॉटन। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ ये कैसे यूज़ करते हैं बोल के। वीडियो को स्किप मत करिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिए। आप ये ईयर ड्रॉप कैट का कान का अंदर ऊपर का साइड दो ड्रॉप छोड़ के 10-15 सेकेंड तक अच्छा करके रब कीजिए। सो ये जो बर्ड्स है कैट का कान को ऊपर जो दिख रहा है ये डर्ट को आराम से काटिए। और ध्यान रखना कि कैट का कान का डीप तक ना डालिए। ओके, आप आपका किटन का वीकली एक बार तो भी कान साफ कर सकते हो गाइस। और जब आप आपका किटन को निलाते हो, निलाए बाद में भी आपका कैट का कान साफ कर सकते हो। ओके, सब क्लीन हुए बाद में आप जो ये कॉटन से जो कैट का कान को ऊपर का जो डर्ट सब निकला है इसे आराम से अच्छा करके पहुँचिए गाइस। सो आप देख सकते हो कि किटन का कान ऑलरेडी साफ हो चुका है। सो आपको ये वीडियो यूज़फुल लगेगा तो आप ये वीडियो को लाइक कीजिए गाइस। ओके गाइस, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।